This is Raj Kachuri, and this comes with the spices, some vegetable, yogurt, and some chili sauce. Looks amazing. Look at this. I'm dying for this. Sun is shining on my face after having delicious chat. Crispy, crunchy, full of flavor, yogurt, and the spices. Perfect liver. It's not too spicy. खाना enjoy करना ही मजे वाली बात है. Last वाली dish दिल ले गई यार सच में. छोरी दिल नहीं देश इधर दिल ले गई. हाँ भाई यार बहुत मजा आ गया. क्या यार कमाल का यार मतलब food पे ज़्यादा मैं अपना time and money invest करूँगी food पे. उससे इंडिया की डाइवर्सिटी भी आपको पता चलेगी, इंडिया का कल्चर भी आपको पता चलेगा, किस स्टेट में क्या चीज फेमस है आपको ये भी पता चलेगा. ओए ओए मजा आ गया यार सच में ऐसी वीडियोस देखकर यार हमारा यार सच बात बोलो भूख लग हम यार सच बोले ना आपको तो हम इसी तरह फूड दे यार एक्सपीरियंस इंडिया का कर सकते हैं. बिल्कुल काश यार उधर चक्कर लगा पाते और यार ये ट्राई कर सकते हैं सच में. वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा होती है और दूसरा ये होता है की वहाँ पे विजिटर बहुत होते हैं ठीक है ना, वो आके उधर टेस्ट वगैरह करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, तो इस लिहाज से तो वो जब उनसे कोई इंफॉर्मेशन या एग्रीगेट निकाला जाता है तो वो बताते हैं कि इंडिया का फूड ज्यादा अच्छा. जब आप फूड की लाइन में जाके कि यार मैंने फूड ही फूड खाना है तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके नजर के सामने आ जाएगा कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, फूड टैक्टिक्स क्या है. लोग वड़ा पाव वगैरह ट्राई किया लेकिन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने अपनाई है लेकिन हर किसी ने अपना ही एक टेस्ट निकाल लिया, लेकिन वो इंडिया का जो जहाँ से टेस्ट निकलता है वो किसी को कंपीट नहीं करता. जय हिंद दोस्तों. दोस्तों सऊदी अरेबिया के शेख को भारतीय पर्यटन और भारत के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बुरा लग रहा है और पाकिस्तानी मीडिया का यहाँ पर कहना है कि मुस्लिम ब्रदर को भारत नहीं जाना चाहिए था बल्कि पाकिस्तान आना चाहिए था. दिल नहीं करता अल्लाह की कसम से मैं चटनी से खाती हूँ, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है टमाटर की चटनी. मैं कहती हूँ यार दो रोटियां खा लो, मतलब कि इतना अच्छा लगता है टमाटर की चटनी और साथ ग्रीन मिर्ची जो और ये जो इनकी लहसुन और हरी मिर्ची की चटनी थी ये मैं घर में गर्मियों में बहुत ज्यादा अपने खाने में यूज करती हूँ. इतनी यमी इतना रिच फ्लेवर होता है और खाना आपको ऐसे हजम होता है ऐसे आप आपको ओवर अब ये कितना ज्यादा खाना था साथ उन्हें पिकल रखे थे. पिकल मतलब आप जितना भी खाओगे आपका मन खराब नहीं होगा, आप अपनी थाली भी फिनिश करोगे और आपको हजम हो जाएगी. कहते गिटार कहते हैं ना. हाँ गिटार क्या कहते हैं शायद यही कहते होंगे पता नहीं शायद अगर मैंने गलत बोला तो गिटार डिकार पता नहीं क्या बोलते हैं डिकार. हाँ डिकार डिकार सही हो गया नाला ठीक कर दिया. तो ये चीजें हैं और मेरा इस वीडियो पे पर्सनली रिएक्शन ये है कि अगर मुझे लाइफ में मौका मिला इंडिया को एक्सप्लोर करने का तो मैं विजिटिंग एरियाज पे इतना नहीं जाऊंगी. फूड में जाएंगे हम. फूड पे ज्यादा मैं अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करूंगी फूड पे. उससे इंडिया की डाइवर्सिटी भी आपको पता चलेगी, इंडिया का कल्चर भी आपको पता चलेगा, किस स्टेट में क्या चीज फेमस है आपको ये भी पता चलेगा और आप फूड के थ्रू पूरी इंडिया को एक्सप्लोर करोगे. इंडिया इतना एरिया वाइज बड़ा है. आप अगर कहेंगे इस स्टेट में कौन कौन सी घूमने की जगह है तो कोई कहेगा आगरा चले जाओ, कोई कहेगा कर्नाटका चले जाओ, लेकिन कोलकाता चले जाओ. जब आप फूड की लाइन में जाके कि यार मैंने फूड ही फूड खाना है तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके नजर के सामने आ जाएगा. अब दरअसल हाल ही में सऊदी अरेबिया के एक से एक भारत का पर्यटन करने के लिए भारत आए हुए थे और उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों का पर्यटन किया था. भारत के अलग अलग शहरों का पर्यटन करने के बाद भारतीय राज्य राजस्थान पहुंचे और राजस्थान के शहर जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जयपुर के अद्भुत पर्यटन का आनंद तो लिया ही, साथ ही साथ उन्होंने भारत के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लिया और भारत के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए वह एक कचौरी की दुकान पर पहुंचे. कचौरी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने कचौरी के साथ साथ पानी पूरी, भेलपुरी और दही पूरी का भी आनंद लिया और इन सब स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेकर शेख साहब का कहना था कि भारतीय व्यंजन वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है. उन शेख का यहाँ पर कहना था कि भारतीय व्यंजन जितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं भारतीय नागरिक उतने ही ज्यादा अच्छे हैं और भारत उतना ही अच्छा देश है. वो कहते हैं कि भारत जीवन यापन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा सस्ता देश है. उन्होंने कहा कि एक अमीर इंसान के साथ साथ एक
गरीब और मिडिल क्लास इंसान के लिए भी भारत में जीवन यापन करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है। आगे उन्होंने कहा कि आज के समय जहां पर पूरी दुनिया में महंगाई इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया मंदी का शिकार बन रही है, तो ऐसे में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा है और बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि भारत कितना अच्छा और कितना ज्यादा सस्ता देश है, इस बात का अंदाजा तो मैंने इसी बात से लगा लिया कि भारत में मैंने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद इतने कम दाम में ले लिया है, जबकि इसी की तुलना अगर हम अपने देश सऊदी अरेबिया से करें तो सऊदी अरेबिया में इतनी कीमत में हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। कोई हर कोई अलग से अलग अपनी कोई मतलब यूनिक सी डिश लाता है। गोला गंडा देखा भाई, हमने भाई दफे इस तरह देखा कि किसी ने बनाया हो। भाई अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कॉफी सुनी है मुख्तलिफ टाइप की होती है, कभी आपने बटर वाली कॉफी पी है? नहीं। कभी सुना? नहीं। इंडिया में वो भी मिलती है, खाली बटर डालेंगे, बटर से कॉफी बनती है, दूध वाली, बटर इतना ज्यादा उसमें डलता। वो देख रहे नहीं थे लस्सी कितनी कमाल की बनाई थी यार, कमाल की थी। लास्ट वाला पनीर देखो, पनीर टिक्का, ओए होए मजा आ गया यार। सच में ऐसी वीडियोस देखकर यार हमारा यार सच बात बोलो भूख लग रही है। हम यार सच बोले ना आपको, तो हम इसी तरह फूड दे यार एक्सपीरियंस इंडिया का कर सकते हैं। बिल्कुल, काश यार उधर चक्कर लगा पाते और यार ये ट्राई कर सकते हैं सच में, बहुत ज्यादा। ऊपर से सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को टूरिज्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज से, उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज्म से दूर दूर तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीजन ये है कि लिबरलिज्म, मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज्म और टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। देखिए ना, अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं। तो इधर पाकिस्तान में देखिए हर तरह की क्लियर को तहफ़ है, तो उसके तरह बन के नहीं, हमें अपनी इस्लामी तालीमात के ऊपर चल के तो पाकिस्तान को आगे लेना चाहिए। आपने कहा है कि यहाँ पर हर माइनॉरिटी सेव है, हर अकलियत सेव है, मुझे बताओ जड़ावाला में क्या हुआ? बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, हमारे सब बंद पड़े हैं, मोदी ने काम किए हैं, क्यों नहीं किए? पाकिस्तान तो बड़ा क्रिटिसाइज करता है, पाकिस्तान तो कहता है मोदी इतना बुरा कि दुनिया में कोई बुरा नहीं। लिए बुरा का अपने मुल्क के लिए सही है, इतना जुल्म किया इंडिया ने। आप मुस्लिम कंट्री, हम लोग जिसको ज्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है, और दुख होता है कि सऊदियों को इस पोजीशन में देख के, खास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सऊदियों को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीजें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं, दुबई में बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस आता है, तो सऊदीया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से, बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिजनेस से आता है, टूरिज्म से आता है, बिजनेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहा है? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहे हैं, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया, तस्लीम भी उन्होंने कर लिया, सऊदी अरबिया भी तस्लीम करने जा रहा है, ये फाइट स्टार्ट हो